अब दोस्तों अब तो ये खराब हो गई दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वन मोर एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो हमारी है इस चीज के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चीज है ये है ईयरफोन। तो बेसिकली दोस्तों ये काम में आता है म्यूजिक सुनने के। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि अगर हम इस ईयरफोन के ऊपर अगर हम फेविकोल डाल दें, यानी कि अगर हम इस चीज को इसके ऊपर डाल दें, पूरा यहाँ पे पेटी पैक कर दें इसको और बढ़िया से इसको नहला दें, तो दोस्तों क्या चीज हमें देखने को मिलेगी? क्या ये जो ईयरफोन है इसमें जो साउंड आती है वो आना बंद हो जाएगी, वाटरप्रूफ हो जाएगा, या फिर क्या चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी? यही चीज आज इस वीडियो के अंदर हमें देखनी है। आपको अगर ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियो ऐसी इस चैनल पे चाहिए तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक दे देना है, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना है और साथ में हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की तैयारी करते हैं, आप इंट्रो का मजा लीजिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले ईयरफोन का यूज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये ऑन कंडीशन में है या नहीं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप थोड़ा साउंड यहाँ पे सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा सॉन्ग भी चढ़ा देता हूँ दोस्तों, आप थोड़ा यहाँ पे सुनने का प्रयास करना। तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है इसकी जो साउंड है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों मैं एक वीडियो और चला देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया होगा दोस्तों कि जो एयरफोन है ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो अब क्या करते हैं, हमारा जो मेन वर्क है इसको यूज करना। अब कैसे यूज करना है दोस्तों, हमको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि जो फेविकोल है उसको इसके ऊपर डालेंगे। तो देखेंगे दोस्तों उसके बाद में कि ये जो ईयरफोन है ये खराब हो जाएगा या फिर जो इसके अंदर जो फेविकोल डल जाएगी, तो हमको ये देखना है कि उसमें से भी आवाज आएगी या बिल्कुल ही ये डैमेज हो जाएगा। तो इसी चीज का आज यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो फेविकोल है उसको यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों फेविकोल निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे फेविक्विक को ले लिया है और मेरे पास में ये भी है, तो हम लोग ट्राई करते हैं इसके ऊपर। और सबसे जो मेन बात है दोस्तों कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत करना दोस्तों। फेविक्विक इंस्टेंट ग्लू है, अगर कहीं पे भी पड़ जाती है तो इंस्टेंट चुपका देगी हाथ वगैरह, तो आपको ही यहाँ पे हानि होगी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई ना करें। तो चलिए दोस्तों इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ये ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों ये यहाँ पे पूरी तरीके से खुल चुकी है और अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ इस पे टेस्ट। तो दोस्तों अभी मैंने सुनाया ऑन कंडीशन में है और इसके ऊपर हम डाल ले इसको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके ऊपर डालना। तो फ्रेम में भी आपको शायद दिख रही होगी, तो ये दोस्तों पहली बूंद जा चुकी है इसके ऊपर और मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ही डाली है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये मैं डाल चुका हूँ और सेकंड में यहाँ पे डालता हूँ। और दोस्तों मैंने पूरी ये फेविक्विक इसके अंदर भर दिया हवा के कांटेक्ट में आने के बाद। अब देखिए इसके अंदर ये जो पीछे एक छोटा सा होल होता है यहाँ पे, आप देख सकते हो कैमरे में दिख रहा होगा, तो इसके अंदर भी मैं फेविक्विक को भर देता हूँ। चारों तरीके से इसको क्या है हम पैक कर देंगे और आप लोग बिल्कुल भी ऐसा घर पर ट्राई मत करना दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से फेविक्विक इसमें से देखिए बाहर भी आ रही है और मैंने ये पूरी तरीके से इसको मिला दिया। आई थिंक दोस्तों इतनी काफ़ी है, अंदर नहीं जा पा रही है, पूरा अंदर नहीं जा रही है, बाहर आ रही है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे कर दिया है। और चलिए दोस्तों दूसरा वाला जो इसका पार्ट है उस पर भी हम जो फेविक्विक है उसको डाल देते हैं। तो आई थिंक दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं। देखिए पूरी तरीके से फेविक्विक यहाँ पे लिपट चुकी है इस पर, तो थोड़ी देर के लिए दोस्तों हम रख देते हैं इसको और उसके बाद ट्राई करेंगे। अब दोस्तों सेकंड वाले की, अभी सेकंड वाले को बाद में ट्राई करेंगे, पहले उसको ट्राई कर लेते हैं कि उसमें से जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे
देखने को मिलता है या नहीं, तो थोड़ी देर सूख जाने के बाद थोड़ा इंतजार करते हैं। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे 102 मिनट हो चुके हैं इस वाले एयरफोन में, जो हमने पहला पार्ट था उसमें जो फेविक्विक डाली थी वो यहाँ पे 102 मिनट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब म्यूजिक चला के चेक करते हैं और इसका वॉल्यूम भी बढ़ा के देखेंगे कि यहाँ पे जो साउंड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं। तो चलिए दोस्तों हमने ये चला ली है, तो पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। गया दोस्तों, गया, खत्म। देखो मैं यहाँ पे फुल वॉल्यूम म्यूजिक कर दिया हूँ और उसके बाद भी यहाँ पे जो आवाज़ वगैरह आपको नहीं देखने को मिल रही होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल वॉल्यूम है दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही है। और जबकि आप इसके दूसरे पार्ट में देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सुनने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ दूसरा अगर मैं पार्ट देखूँ दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रही है। तो आई थिंक दोस्तों इसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, कतई बिल्कुल ख़राब हो चुका है दोस्तों। अब मैं क्या बताऊँ, यही चीज़ देखनी थी दोस्तों, इसमें साउंड नहीं आ रही है, बल्कि दोस्तों इसमें साउंड आ रही है। अब दोस्तों करते क्या है, इस वाले पार्ट में भी हम क्या करते हैं फेविक्विक डाल के देखते हैं और ये ट्राई करते हैं कि इसमें जो है वॉल्यूम आती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों साउंड चल ही रहा है, देख सकते हो, तो चलते हुए साउंड में ही दोस्तों हम डाल के देखते हैं। थोड़ी आवाज कम हो गई है दोस्तों, और यहां ट्राई करता हूं, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है दोस्तों। एक तो दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है यहां पे, तो गाइस इसमें तो आवाज आ रही है, बल्कि आप देख सकते हो दो बूंद फेविकोल डालने के बाद इसमें आ रही है और इसमें बिल्कुल आवाज जा चुकी है, ये बिल्कुल डैमेज हो चुका है, और जबकि इसमें अभी रिजल्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दूसरा जो सॉन्ग है उसको चला लेता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों ये मैं अक्सर साउंड यूज करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा होगा, और जबकि ये वाला जो साउंड है इसमें बिल्कुल साउंड नहीं आ रही है दोस्तों, इसमें साउंड आ रही है और इसमें साउंड नहीं आ रही है। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं इसमें और इसमें फेविक्विक ऐड करता हूँ, पीछे जो इसका ये वाला हिस्सा है इसमें भी मैं फेविक्विक को ऐड कर ले रहा हूँ। अब दोस्तों अब तो ये खराब हो गई दोस्तों, ये इसका मेन फंक्शन है आई थिंक, मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें फेविक्विक जाने के बाद में थोड़ी थोड़ी मंदी मंदी आवाज यहाँ पे आ रही है, और थोड़ा दो तीन बूंद इसमें भर देते हैं, बहुत माइन्यूट सी आवाज आ रही दोस्तों, बहुत कम, और भर देते हैं दोस्तों इसके अंदर चारों तरफ भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों 1 से 2 मिनट इसका भी वेट करते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं कि इसमें जो साउंड है वो आती है या नहीं। यानी दोस्तों इनको यहाँ पे 1 से 2 मिनट फिर से हो चुका है, तो ये वाली जो एयरफोन थी ये वाली इसमें डाला था हमने बाद में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई थिंक थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आवाज आ रही है। और दोस्तों मजे की बात बताऊं तो इसमें सबसे पहले हमने यूज की थी, इसमें सबसे पहले साउंड आना बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से इसमें हल्की हल्की वॉइस जो है इसमें थोड़ी थोड़ी जो साउंड है वो यहाँ पे आ रही है, तो देख सकते हो दोस्तों शायद आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा हो, तो मुझे तो यहाँ सुनाई दे रहा है, एक मिनट। अब मैं दोनों जो ईयरबड्स यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ, तो ऐसा कुछ अगर थोड़ा थोड़ा आपको आवाज आ रहा होगा तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं, देख सकते हो, एक बार और फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो ये जो है कैमरे का माइक है, तो वहां पे मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ, तो आपने देखा होगा दोस्तों थोड़ी थोड़ी साउंड यहाँ पे आ रही है। तो ऐसा कुछ होता है दोस्तों, पूरा यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे साउंड आ रही है, पूरी जो ईयरफोन है वो बिल्कुल बेकार नहीं हुई है। तो यही टेस्ट करना था आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, आपको अगर ऐसी एंटरटेनिंग वीडियो इस चैनल पे चाहिए तो दोस्तों इस चैनल को
आप कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो जल्दी आएगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।